नमस्कार दोस्तों, अगर आपने सीईटी के लिए आवेदन किया हुआ है या आप आवेदन करना चाहते हो तो सीईटी के बारे में कुछ जरूरी क्वेश्चन है, कुछ फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन है जिनके बारे में आपको जान लेना जरूरी है। इस वीडियो में हम सीईटी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी सीईटी के बारे में ज़्यादा जानने के लिए। तो सबसे पहले सीईटी का आवेदन है वो आपको इस पोर्टल पे आके करना है। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है, onetimeregn.haryana.gov.in। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट होती है, यहाँ से आपने आवेदन किया होगा। या अगर नहीं किया तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के और आवेदन करना होता है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो वैकेंसी है ग्रुप सी की और ग्रुप डी की जो भर्तियाँ हैं उनके लिए चयन है वो सीईटी के आधार पर ही उनके लिए चयन है वो किया जाएगा। तो इससे संबंधित कुछ जरूरी क्वेश्चन है जो कि है वन बाय वन करके हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले है वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल क्या है, यानी कि सीईटी पोर्टल क्या है। तो सीईटी पोर्टल के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे कि हरियाणा में जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो भर्तियाँ हैं, एचएसएससी की जो भर्तियाँ हैं वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर ही होगी। आपकी जो मेरिट होगी मेरिट के आधार पर है वो ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो वैकेंसी है उनके लिए चयन किया जाएगा। और इसके लिए जो आवेदन है वो परिवार पहचान पत्र के आधार पर किया जाता है। परिवार पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए, फैमिली आईडी से इस पर आवेदन है वो किया जाता है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है परिवार पहचान पत्र क्या है, फैमिली आईडी क्या है। हरियाणा में जितने भी परिवार हैं, जिन जो हरियाणा के निवासी हैं, जो हरियाणा के डोमिसाइल हैं, उनके पास परिवार पहचान पत्र बना होता है, एक दस्तावेज, परिवार पहचान पत्र दस्तावेज बना होता है जिसमें उनका पूरा डाटा होता है, जिसमें उनकी एनुअल इनकम है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह, ये जो सारा डाटा है वो होता है हर एक परिवार का जो हरियाणा के निवासी और डोमिसाइल है उनके पास परिवार पहचान पत्र का दस्तावेज होता है। और इसके लिए जो ऑफिशियल साइट है वो मेरा परिवार haryana.gov.in साइट है। यहाँ पे आपको, अगर आपके पास परिवार पहचान पत्र नहीं है तो यहाँ से आपको परिवार पहचान पत्र है वो बनवा लेना है सीएससी सेंटर से। आप सीएससी सेंटर से आपको ये परिवार पहचान पत्र है वो बनवा लेना है। इसके बाद है किसी भी मुद्दे के मामले में किससे संपर्क करें, यानी कि सीईटी से संबंधित अगर कोई जानकारी चाहिए या इसमें कोई करेक्शन वगैरह करवानी हो तो किससे संपर्क करें, तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 1800200023 और यहाँ पे ईमेल आईडी भी दी गई है। तो इनके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए अगर आपने सीईटी के तहत आवेदन किया हुआ है, तो इनके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसके बाद है क्या मैं वन टाइम पंजीकरण पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करने के लिए मोबाइल नंबर के बजाय किसी अन्य विकल्प का उपयोग कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर के द्वारा ही पंजीकरण होता है, मोबाइल नंबर के अलावा और कोई नहीं होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आप केवल सक्रिय मोबाइल नंबर का उपयोग करके पंजीकरण कर सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है और उसी नंबर का उपयोग पंजीकृत उम्मीदवार को भविष्य में सूचना भेजने के लिए किया जाता है, यानी कि मोबाइल नंबर के बिना पंजीकरण नहीं होगा। सीईटी पोर्टल पे आपके पास रजिस्टर्ड नंबर है वो होना चाहिए, ओटीपी के माध्यम से ही आपका लॉगिन होता है, ओटीपी के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन होता है। इसके बाद है क्या मैं एक मोबाइल नंबर का उपयोग करके कई आवेदकों को पंजीकृत कर सकता हूँ, तो यहाँ पे दिया गया कि एक ही मोबाइल नंबर यूज करके यानी कि कई कैंडिडेट का पंजीकरण कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। इस तरह से केवल एक आवेदक एक मोबाइल नंबर का उपयोग करके पंजीकरण कर सकता है, यानी कि हर एक कैंडिडेट के लिए अलग अलग मोबाइल नंबर होगा क्योंकि उनकी लॉगिन आईडी के रूप में मोबाइल नंबर का यूज होता है, तो अलग अलग मोबाइल नंबर आपको यूज करना है। नेक्स्ट है मुझे वन टाइम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए हरियाणा डोमिसाइल का उपयोग करने के लिए कौन सा विकल्प चुनना है, यानी कि डोमिसाइल के तहत ही आवेदन होता है यहाँ पे, तो हरियाणा के निवासी अगर है तो उनको ये चुनना है हरियाणा के निवासी। मैं आपको एक बार साइट पर दिखा देता हूँ। अगर आपके पास डोमिसाइल बना हुआ है तो आप इस तरह से लॉगिन करोगे, आप मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन हो जाने पे साइट पे आपको फर्स्ट पेज है जो फर्स्ट स्टेप है वो इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको ये चूज करना है सबसे पहले वाला रेजिडेंट ऑफ हरियाणा डोमिसाइल, अगर आपके पास डोमिसाइल है तो ये चूज कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है वो है अगर मुझे अपना परिवार पहचान पत्र आईडी याद नहीं है तो पीपीपी से अपने विवरण प्राप्त करने के लिए मैं और कौन सा विकल्प इस्तेमाल कर सकता हूँ, यानी कि अगर परिवार पहचान पत्र आईडी याद नहीं है तो आप आधार कार्ड के द्वारा, आपको साइट पे आधार नंबर डालना है, आधार नंबर के द्वारा आपको परिवार पहचान पत्र आईडी है वो आपको मिल जाएगी। अगर आपके परिवार पहचान पत्र आईडी बनी हुई है तो आधार कार्ड के माध्यम से आधार नंबर दर्ज करना होगा, आधार नंबर के माध्यम से आपको अपनी जो परिवार पहचान पत्र आईडी है वो मिल जाएगी। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट रेजिडेंट है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे दूसरा जो कॉलम है परमानेंट एड्रेस इन हरियाणा बट नॉट रेजिडेंट, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और आपके पास अगर फैमिली आईडी नहीं है, आधार कार्ड नंबर है, तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। और नो करने के बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है, आधार नंबर डालने के बाद ओके करोगे तो आपको फैमिली आईडी है वो मिल जाएगी, ठीक है।
इसके बाद है, मैंने अपना वैध आधार नंबर दर्ज किया है क्योंकि मुझे अपनी पीपीपी आईडी याद नहीं है, लेकिन यह अमान्य आधार नंबर के रूप में दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन पे आपको ये देखना होगा कि आपकी जो पीपीपी आईडी है उसमें आपका आधार नंबर अपडेट है या नहीं है, यानी कि आपका जो आधार कार्ड, आपकी जो परिवार पहचान पत्र आईडी बनी हुई है उसमें आपकी डिटेल अपडेट हुई है या नहीं हुई है, ये चेक करना है आपको। अगर परिवार पहचान पत्र आईडी में आपकी डिटेल अपडेट होगी तो आपको ऐसा नहीं आएगा, अगर अपडेट नहीं है तो आपको अपडेट करवाना होगा और उसके बाद आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, मेरे पास हरियाणा डोमिसाइल है लेकिन मैंने खुद को पीपीपी पर पंजीकृत नहीं किया हुआ, यानी कि परिवार पहचान पत्र नहीं बना हुआ है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए मेरे पास कोई विकल्प उपलब्ध है? तो इसके लिए सबसे पहले उनको, अगर वो हरियाणा का डोमिसाइल है, हरियाणा का निवासी है, तो सबसे पहले ऐसे कैंडिडेट को जो परिवार पहचान पत्र पर पंजीकृत नहीं है उनको परिवार पहचान पत्र पर पंजीकरण होना जरूरी है। फैमिली आईडी में उनको अपडेट करना जरूरी है, फैमिली आईडी में उनका नाम होगा तो उसके बाद वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपने आप को पंजीकृत है, वो कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनके पास हरियाणा के निवासी हैं, हरियाणा के डोमिसाइल हैं, तो उनको फैमिली आईडी बनवा लेनी है अगर नहीं बनी हुई है तो। अगर बनी हुई है, बाकी सदस्यों की परिवार की फैमिली आईडी बनी है तो उनमें ऐड करवा लेना। इसके बाद है, मेरे पास हरियाणा डोमिसाइल नहीं है, क्या मैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर सकता हूँ? तो जिनके पास अगर हरियाणा का डोमिसाइल नहीं बना हुआ है, हरियाणा के निवासी नहीं है, तो वो वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, सीईटी का पोर्टल है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका जवाब हाँ है, आप विकल्प के तहत खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। क्षेत्र के अंतर्गत विवरण, हरियाणा में कोई स्थायी पता नहीं है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। एक बार मैं आपको साइट पे दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट करना है, तीन नंबर वाला, नॉन रेजिडेंट ऑफ हरियाणा नॉन डोमिसाइल। अगर आपके पास, आप हरियाणा के निवासी नहीं हो तो आपको ये सेलेक्ट करना है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे आपको आधार नंबर और आपका नाम, और ये आधार नंबर और आधार कार्ड में जो आपका नाम की स्पेलिंग है वो यहाँ पे डालनी है, टिक करना है और आपको ओके कर देना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इसके बाद है, क्या वन टाइम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण के लिए कोई आयु मानदंड है, यानी कि समय सीमा क्या है, कौन कौन सी आयु के जो कैंडिडेट है वो आवेदन कर सकते हैं? तो यहाँ पे 18 साल, कम से कम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 42 साल है, यानी कि 18 से 42 साल के जो कैंडिडेट है वो सीईटी पोर्टल पर आवेदन है वो कर सकते हैं। इसके बाद है, क्या वन टाइम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए आरक्षित श्रेणी के लिए कोई आयु छूट है, यानी कि उम्र में कोई छूट है? आरक्षित श्रेणियों के लिए कोई उम्र में छूट है तो वो डिटेल दी गई है, जैसे यहाँ पे श्रेणियाँ दी गई है, अनुसूचित जनजाति है उनको 5 वर्ष की छूट मिलती है, अनुसूचित जाति है उनको 5 वर्ष की, ओबीसी और बीसी कैटेगरी है उनके लिए 5 वर्ष की, भूतपूर्व सैनिक है उनको 3 साल की, और विकलांग है जो उनको 10 वर्ष की ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों के लिए, और विकलांगता SC/BC है उनको 15 वर्ष की ग्रुप सी और डी पोस्ट के लिए, और अगर विधवा महिला है या अविवाहित महिला है तो वो 47 साल तक आवेदन है वो कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल केवल ग्रुप सी और ग्रुप डी से संबंधित नौकरियों से संबंधित है? तो इसका जवाब हाँ में है, वन टाइम पंजीकरण पोर्टल के तहत हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो भर्तियां हैं ग्रुप सी की और ग्रुप डी की भर्तियों के लिए चयन है वो किया जाता है। तो यहाँ पे पंजीकरण पोर्टल वर्तमान में केवल ग्रुप सी और ग्रुप डी से संबंधित नौकरियों से संबंधित है। इसके बाद मैं अपना फोटोग्राफ अपलोड करने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन एप्लीकेशन मुझे फोटोग्राफ अपलोड करने की अनुमति नहीं दे रहा है। काफ़ी सारे कैंडिडेट को ऐसी प्रॉब्लम आती है फोटोग्राफ को लेकर के, कि फोटोग्राफ में अपडेट भी बार बार आती रहती है, पोर्टल पे फोटोग्राफ है वो लेटेस्ट फोटोग्राफ आपको अपलोड करना होता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है, फोटोग्राफ के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जब आप आवेदन करोगे तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो उन सभी इंस्ट्रक्शन को आपको ध्यान से फॉलो करना है और जैसे उनमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसके अनुसार ही फोटो आपको अपलोड करनी है। और फोटो का जो साइज है और फोटो है वो आपको JPG फॉर्मेट में ही अपलोड करनी है, JPG फॉर्मेट में आपको फोटो लगानी है, और साइज है वो आपको 500 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, 500 KB से कम रखना है, और JPG फॉर्मेट में आपको फोटो अपलोड करनी है तो आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी फोटो की। और लेटेस्ट फोटो जो आपकी है वो 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, वही फोटो आप अपलोड कीजिए तो आगे चल के आपको कोई भी CET की तरफ से प्रॉब्लम है वो नहीं आती है इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, पीपीपी आईडी से आने वाला विवरण सही नहीं है, क्या मैं उन्हें OTR पोर्टल पर सही कर सकता हूँ? यानी कि फैमिली आईडी में कोई डाटा किसी कारण से इनकरेक्ट है कैंडिडेट का, तो क्या वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर सही कर सकता है? तो इसके लिए नहीं है, वो उनको परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर डाटा सही करवाना होगा, उनको परिवार पहचान पत्र का जो डाटा सही होगा वही डाटा वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर उठाया जाता है। तो यहाँ से आपका जो, आपके अगर कोई डाटा में, अगर पर्सनल डाटा में कोई करेक्शन है तो वो यहाँ से नहीं होती है, आपको परिवार पहचान पत्र, आपको CAC सेंटर जाके परिवार पहचान पत्र को ठीक करवाना है, उसके बाद ही आपका जो OTR पोर्टल है उस पर डाटा सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, एक बार में
OTR पोर्टल पर पंजीकरण करता हूं तो ये कब तक मान्य होगा, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो इसकी वैलिडिटी कितनी होगी? तो इसकी वैलिडिटी 3 साल तक होती है, 3 साल की समय सीमा होती है। 3 साल तक जितनी भी वैकेंसी आती है HSSC की, उनमें अगर आपकी जो परसेंटेज है उसके आधार पर है वो चयन किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है वो है, एक बार भुगतान करने के बाद क्या मैं अपना फार्म संपादित कर सकता हूँ? तो यानी कि फार्म में कुछ करेक्शन करनी हो तो क्या वो कर सकते हैं? तो इसका जवाब यहाँ पे नहीं है। आपको मेल आईडी पर ईमेल करना होगा helpdesk-hssc@hry.gov.in अपने फार्म के लिए मानदंड मोड प्राप्त करने के लिए अपनी आवश्यकता के उचित विवरण के साथ मेल आईडी पर ईमेल करना होगा। तो इसके लिए आपको इस आईडी पे आपको मेल करना होगा। कोई करेक्शन वगैरह है तो उसके लिए आप यहाँ पे मेल कर सकते हो। इसमें अभी CET पोर्टल पे करेक्शन करने के लिए रिक्वेस्ट डालने का ऑप्शन भी दे दिया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। जैसे आप अभी देख रहे हो यहाँ पे, ये जनरल अपडेट रिक्वेस्ट, इस तरह का रिक्वेस्ट करने का, कोई जनरल अपडेट करनी है तो रिक्वेस्ट करने का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। यहाँ पे आपको step 1, step 2, step 3 कौन से स्टेप में आपको करेक्शन करनी है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है। और यहाँ पे आपको वैलिड रीजन देना होता है कि आप फार्म है वो रीओपन क्यों करवाना चाहते हो, यहाँ पे आपको वैलिड रीजन देना होता है। तो इस तरह की अभी रिक्वेस्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, भविष्य में हो सकता है कुछ करेक्शन मॉड्यूल का ऑप्शन है वो इस पे मिल सकता है। इसके अलावा आप इसी ईमेल आईडी पे मेल करके भी आप अपने जो फार्म है उसमें करेक्शन की रिक्वेस्ट है वो कर सकते हो। नेक्स्ट है वो है, मैं वन टाइम पंजीकरण पोर्टल से संबंधित अपनी शिकायत कहाँ से डाल सकता हूँ? शिकायत दर्ज करवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, ये हेल्पलाइन नंबर है 1-800-200-0023 पर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हो। और इसके द्वारा आपकी एक टिकट है वो आईडी आपको SMS के जरिए जारी की जाएगी, यानी कि आपको कंप्लेंट की आईडी है वो SMS के द्वारा भेजी जाएगी। और इस ईमेल आईडी का यूज करके भी आप अपनी शिकायत है वो दर्ज करवा सकते हो। नेक्स्ट है वो है, OTR पोर्टल हेल्पलाइन के लिए मानक प्रतिक्रिया समय क्या है? यानी कि अगर आप कोई इंक्वायरी के लिए या कोई रिक्वेस्ट करते हो तो उसके लिए कितना समय लगेगा? तो इसके लिए इंक्वायरी को हल करने के लिए 7 से 10 दिन का समय है वो लग सकता है इंक्वायरी टीम को, तो ये 7 से 10 दिन का समय है। और इसके अलावा है नेक्स्ट, रिफंड की प्रक्रिया क्या है? अगर आप रिफंड करवाना चाहते हो आपकी जो फीस कटी है, तो उसके लिए यहाँ पे रिफंड के लिए कृपया हमें ईमेल आईडी पर, इस ईमेल आईडी पर आपको रिफंड के लिए GRN नंबर डालना है और साथ में अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर है वो डालना है। GRN नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर और रिफंड क्यों करवाना चाहते हो ये सारी डिटेल आपको इस ईमेल आईडी पे आपको भेजना है, उसके बाद आपका जो अमाउंट है वो रिफंड हो सकता है। तो ये थे कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो कि आपको जान लेना जरूरी है। CET के लिए अगर आपने आवेदन कर रखा है तो आपको ये जान लेना जरूरी है। इसके लिए कुछ, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। जैसे क्या बिना परिवार पहचान पत्र के CET के लिए रजिस्ट्रेशन हो सकता है? अगर फैमिली आईडी नहीं है तो रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो इसमें है कि अगर हरियाणा के निवासी नहीं है, आउट ऑफ स्टेट है, अगर हरियाणा का डोमिसाइल नहीं है तो बिना परिवार पहचान पत्र के रजिस्ट्रेशन है वो CET पोर्टल पर हो सकता है। दूसरा है, क्या आउट ऑफ स्टेट उम्मीदवार CET के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि दूसरे स्टेट के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं? तो इसके लिए आउट ऑफ स्टेट के उम्मीदवार हैं वो आवेदन कर सकते हैं CET के लिए। और तीसरा है, CET टेस्ट में नंबर कम है तो क्या दोबारा से आवेदन कर सकते हैं? मान लीजिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया हुआ है और उसमें कम परसेंटेज है वो कम है तो दोबारा आवेदन कर सकते हैं? तो इसके लिए दोबारा से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको फीस है वो दोबारा से पे करनी होती है। इसके लिए जो फीस है वो दोबारा लगेगी आपकी। इसके बाद नेक्स्ट है, CET की आवेदन फीस कितनी होती है? CET की यानी कि फीस कितनी लगेगी आवेदन करने के लिए? तो इसकी जो फीस है वो SC ST BC कैटेगरी के लिए 250 रुपये की फीस होती है, 250 रुपये, और जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये की फीस होती है। तो ये फीस आपको पे करनी होती है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो ये थी जानकारी कुछ जरूरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में। अगर आपको CET के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होगी तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी और आप सही से आवेदन कर पाओगे। और आपका अगर आवेदन सही होगा तो आपको आगे चल करके कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने मित्रों के साथ ताकि उनको जानकारी है वो मिल सके। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है मैं वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताऊंगा। ये वीडियो आपको कैसे लगा है प्लीज़ मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।